अच्छा हुआ इसी से छुटकारा मिल गया, कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा मुझे। मैं भी देखती हूँ कैसे रोकते हो मुझे। आप सोए नहीं अंकल? यहाँ आओ। कैसे सोता? तुमने कहा था नहीं कि सोने से पहले कहानी सुनाओगे? तो फिर सुनाऊं कहानी? सुनाओ। गांव में एक छोटा सा लड़का था, उसका कोई बापू नहीं था, और वो हर रोज भगवान जी से प्रार्थना करता था कि उसे एक बापू दे दो। और एक दिन भगवान जी उससे बहुत खुश हुए, उसे एक बापू दे दिया, और अब वो रोज अपने बापू के साथ कुश्ती खेलता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहानी के हीरो तुम हो? आप तो बहुत होशियार निकले पापा। क्या कहा तुमने? पापा। पापा? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ और कह देते तो ज्यादा अच्छा लगता। मेरा मन तो कहता है कि बापू बुलाऊं, लेकिन मुंबई के लोग ये सुनकर हंसेंगे ना, इसीलिए। लोग क्या सोचेंगे? अगर ये हम सोचने लगे तो लोग क्या करेंगे? तो मुझे बापू कहो, उसमें अपनापन है। बापू? सुनाई नहीं दिया मुझे। बापू। एक और बार। बापू। उसे बापू सुनकर तो जैसे नींद ही उड़ गई हो। घर पे तो सब सो गए होंगे, अपनी खुशी किससे जाहिर करूं? बहादुर जाग रहा होगा। बहादुर! 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 ये अखिलेश इतनी रात गई बाहर क्या कर रहा है? मुझे इस तरह देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बहादुर, तुम वहां पर हो?